हम लोग जो हैं नेक्स्ट सेशन में आ गए हैं। हमारा जो है 13th लेक्चर है, 13th सेशन है। इसमें हम लोग जो हैं सोशलाइजेशन कर रहे थे, उसको ही कंप्लीट करेंगे। सोशलाइजेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ये दो सेशंस थे कि हमारी पर्सनालिटी जो डेवलप हो रही है उसमें सोशलाइजेशन का क्या रोल है। इसमें हमने अब तक जो है डेफिनेशन की है, नेचर वर्सेस नर्चर किया और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन किए। अभी हम इसके आगे जा रहे हैं। इसकी एक टर्मिनोलॉजी है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब जो है वो ये है कि एक शख्स जो है वो जिसको सोशलाइज किया गया था लेकिन वो माशरे में जो है वो सही अपना काम या रोल जो था वो नहीं अदा कर सका, राह से हट गया, क्रिमिनल एक्टिविटी में चला गया, तो उसको दोबारा से सोशलाइज करने के प्रोसेस को रीसोशलाइजेशन कहते हैं। अब उसके लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है वो पैदा हुआ ऐसी जगह पर जिसने देखा माँ बाप को चोरियाँ करते हुए। अब ये पकड़ा गया, जब पकड़ा गया तो इसको जब उससे मालूम किया गया तो पता चला कि उसने तो ऐसी ही जिंदगी देखी है, तो उसको पूरी रीसोशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, दोबारा से सोशलाइज करने की। उसको नई वैल्यूज़ और बिहेवियर्स सिखाने पड़ते हैं और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है। इसमें रीसोशलाइजेशन में आप देखें मिलिट्री रीसोशलाइज करती है, प्रिजन में जाकर, जेलों में जाकर रीसोशलाइजेशन होती है, बोर्डिंग स्कूल रीसोशलाइज करती है, हॉस्पिटल्स जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल होते हैं, नफ्सियाती अस्पताल हॉस्पिटल होते हैं, वो भी रीसोशलाइज करते हैं। ड्रग एडिक्शन जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के जो सेंटर होते हैं वो भी रीसोशलाइज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो रीसोशलाइज करते हैं, वो नीड के मुताबिक है कि उनकी ज़रूरत क्या है और वक्त की क्या ज़रूरत है और इसको करना कैसे चाहिए। इसमें ज़्यादातर तो वॉलेंट्री होते हैं और कुछ प्रिजन और साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जो जाते हैं वो पहले से मेंटली मेंटली इल होते हैं, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर जो सोशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो दोबारा से सोसाइटी में आए तो नॉर्मल लाइफ गुजारें, सोसाइटी में वो काम कर सकें। मिलिट्री की जो ट्रेनिंग होती है वो रीसोशलाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि मिलिट्री में कितने कितने दिनों तक जागना होता है। अब हम लोग की जागने की आदत नहीं है इतनी, तो वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग जो है खुद सोशलाइजेशन का बड़ा पोर्शन नजर आता है। अच्छा, इसमें चार फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या हैं? ये प्रोसेस सोशलाइजेशन का जो है वो एजेंट्स करते हैं, यानी कि हमें अपनी फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल, मीडिया, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, ये सब इदारे हमें सिखाते हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी को बना लें। ये इदारे हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं, लेकिन कौन सा अमल इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस क्या होता है उसका। चार बेसिक प्रोसेस है, फर्दर भी हैं लेकिन चार बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिटेशन, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड लैंग्वेज। सबसे पहले आ जाता है इमिटेशन। इमिटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो गैब्रियल टार्ड ने दिया था और गैब्रियल टार्ड ने बाकायदा इसकी एक थ्योरी बनाई है और रिसर्च की थी, रिसर्च करके बच्चों पर रिसर्च की थी उसने, बहुत डिटेल रिसर्च की थी बच्चों पर, लेंदी रिसर्च की थी और उस पर उसके बेहस पर उन्होंने लॉ ऑफ इमिटेशन बनाया। और इसका मतलब है कॉपी टू कॉपी समवन। सिंपल सी, मैंने पहले भी बताया था कि इमिटेशन का मतलब है किसी को कॉपी करना। एक बच्चा अपने माँ बाप को कॉपी करता है। अक्सर बच्चे देखा गया है कि बच्चे जब हैं या दादा की तरह कोई स्टिक लेकर, ग्लासेस लेकर बूढ़े बन के वॉक करते हैं, कभी माँ बाप कि आपस की बातें जो है वो बच्चे अपने खेल में इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई जो स्पेशली लड़कियां देखी गई हैं कि स्कूल से जब आती हैं और खेलती हैं तो वो टीचर बनती हैं, टीचर टीचर बहुत खेलती हैं, वो टीचर जो जिस तरह बिहेव कर रही होती है क्लासरूम में वो यहाँ बिहेव करती है। इसी से माँ बाप को भी पता चल जाता है कि उनके टीचर्स हैं बच्चों को किस तरह पेश आते हैं। तो इमिटेशन जो है वो एक बहुत प्रोसेस है जिसमें आप बच्चे जो हैं वो माँ बाप को, घर वालों को, स्कूल में टीचर्स को और कॉपी करते हैं। जैसे हमें, हम आपको जो है जब स्कूल में आप गए थे तो आपको वहाँ पर किस तरह सिखाया जाता था, आपको बार बार ए लिखना सिखाया जाता था, ए बी सी डी मुसलसल रट्टाफिकेशन करवाई जाती थी, मेमोराइज कराया जाता था ताकि आप सीख लें ए बी सी डी एफ जी एच। कभी गाने के जरिए सिखाया जाता था, कभी फोनिक्स के जरिए सिखाया जाता, कभी पोएम सिखाई जाती थी, पोएम्स के जरिए चीज़ें सिखाई जाती थी। तो इमिटेट, और आप क्या करते थे, पीछे पीछे बोलते थे। जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के हवाले से भी देखें कि अगर मौलवी साहब आते हैं आपके पास या कोई और आता है पढ़ाने के लिए तो आपको एक लाइन बार बार आपको याद करनी होती है, सिखाते तो आप फिर जो है कुल औलाद याद कर लेते हैं, इस तरह सारी सूरतें आप याद करते हैं। तो ये इमिटेशन और कॉपी की बात होती है।
अब आता है दूसरा प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस है सजेशन, सजेशन या सजेस्टिबिलिटी। ये प्योर मास कम्युनिकेशन का प्रोसेस हम कहते हैं इसको, कि ये प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का प्रोसेस ऐसा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जिसमें सामने वाला हर बात को एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट तहकीक किए हुए कि ये बात सच है कि झूठ है। ठीक है, ये आज सोशल मीडिया में ये चीज़ हो रही है, फेक न्यूज़। ये सजेस्टिबिलिटी है कि बोलने वाला ऐसे अंदाज से बोलता है, इतना कन्विंसिंग अंदाज से बोलता है कि आप उसकी बात पर यकीन करना शुरू कर देते हो और वो गलत न्यूज़ को भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो। और बात क्या है, बोलने वाला कौन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे जो अच्छी पर्सनैलिटी लगती है, जिसका टॉक शो आपको अच्छा लगता है, आप कहेंगे ये बंदा वाहिद बंदा है जो पूरे मीडिया में सच बोलता है, इसकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, इसका कंक्लूजन बड़ा अच्छा है। अगर आप अपने दोस्त पर पूछेंगे वो कहेगा नहीं इसका थोड़ी है, इसका है। कोई कहेगा नहीं वसीम बदामी का है, कोई कहेगा नहीं मुबशर लुकमान का है, कोई कहेगा नहीं हामिद मीर का है, कोई कहेगा कामरान का है, कोई कहेगा पीरज़ादा का है। मुझे सबके नाम याद नहीं है, जिसके नाम याद है मैं वो नाम दे रही हूँ आपको। लेकिन सजेशन देने वाला कौन है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब तो आप छोटे थे, मुझे नहीं पता आपके साथ ये हुआ है कि नहीं, हो सकता है याद ही ना हो आपको। और घर पे आकर जो है वो बच्चे अक्सर जो है माँ बाप उनको, माँ स्पेशली ट्यूशन वाली या ट्यूशन भेजते हैं, या माँ अगर होमवर्क करा रही होते हैं बच्चों को, तो बच्चे जो है गलती कर रहे होते हैं, माँ बाप, माँ भी पढ़ी लिखी है और माँ उसको ठीक करने की कोशिश करती है। उसके कहते नहीं मेरी तो मिस ने ये कहा था, मेरी तो टीचर ने ये कहा था, या मेरी तो आंटी ने ये कहा था, मैं तो नहीं मानूंगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन गलत अगर बोल देता है कोई, तो मानती मानने को ही तैयार नहीं होते वो, क्यों, चाहे उनकी अम्मा ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, लेकिन टीचर जो है उनके लिए एक रोल मॉडल होता है, टीचर की हैसियत बड़ी हो जाती है। तो कह रहे हैं ये तो एक्सपर्ट होगा, इसको तो सब कुछ पता होगा। जैसे अब यहाँ पर अगर मैं सोशियोलॉजी के हवाले से बात करूँ, तो तुम लोग जो है मेरी बात पर यकीन कर लोगे, वो इसलिए यकीन करोगे कि मैं बोलने वाला कौन है, मैं बोलने वाली हूँ इसलिए मेरी बात पर यकीन करना। याद है आपको ट्रू एंड फॉल्स की जो एक्टिविटी की थी, उसमें मैंने आपको जो बोला तो आपने मेरी बात पर यकीन कर लिया, इसी वजह से आपने सारे जो एक्टिविटी में चूज किए ट्रू कर दिए थे और फॉल्स नहीं किए थे, बहुत कम लोगों ने फॉल्स किए थे। तो इस तरह क्या हुआ कि आप बोलने वाला कौन है वो इंपॉर्टेंट है। तो सजेशन कौन दे रहा है, बोलने वाला का मतलब है यहाँ पर सजेशन कौन दे रहा है। सजेशन देने वाला अगर एक्सपर्ट है और जिसको आप रिगार्ड करते हैं, जिसको आप बहुत अहमियत देते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं, अगर वो बोलता है तो आप तो मान लेते हैं। लेकिन आजकल के सोशल मीडिया में हर एक कोई कुछ बोल रहा है और आप सबकी बात सुन रहे हो, सबकी बात मान रहे हैं। ये इन्फ्लुएंस जो करता है हमारे बिहेवियर को, इसमें मैं आपको सजेशन में एक बात और बता दूं साथ में, कि सजेशन में जो है ये सजेशन, जैसे आप जितनी उम्र आपकी छोटी थी वो सजेशन आप ज्यादा एक्सेप्ट करते थे, जितनी आपकी उम्र बड़ी होती जाती है, समझदार होते जाते हैं, ये सजेशन की का इम्पैक्ट कम होता जाता है। लेकिन ये सोशल मीडिया और मास, सोशल मीडिया सिंपल नहीं, मास मीडिया ने जो है इस बात को चेंज कर दिया। न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ रिपोर्टिंग चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स और फिर सोशल मीडिया, इन सब ने मिलकर जो है वो लोगों की सोचने का अंदाज बदल दिया, सजेशन ऐसी दे दी कि अब लोग जो है, जैसे बहुत सारी वीडियोस आई और कहा वायरस तो है ही नहीं, कोविड 19 नहीं है, या गवर्नमेंट तो जो है कोविड 19 को बढ़ा रही है, जानबूझ करके बढ़ा रही है, केसेस बढ़ा रही है। तो आपने तो सबने आंखों बंद करके यकीन कर लिया, लोग तो जो है लाशें गिरी पड़ी हैं, लोग तो मर रहे हैं, पता नहीं चल रहा हमें लोग मर रहे हैं, दुनिया हमें खामोशी से मीडिया बता नहीं रहा। तो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आ रही हैं जो आपको गलत तरीके, गलत तरफ लेके जा रही हैं। तीसरा है पोर्शन आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है वो, सॉरी, फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में आइडेंटिफिकेशन का मतलब है आपकी अपनी शनाख्त का होना। अर्ली एज पर जो चाहे एक बच्चे की जो शुरू की एज होती है, जब छोटा होता है बच्चा, तो इसके एक्शंस जो है कंट्रोल्ड नहीं होते हैं। बच्चा, हम कहते हैं ना बच्चे गैर सियासी होते हैं, अचानक बच्चे जो हैं वो ऐसे जुमले बोल जाते हैं कि लोगों को हैरत होती है कि बच्चा क्या बोल गया, या तो हंसते हैं लोग या शर्मिंदा हो जाते हैं माँ बाप कि बच्चे ने ये क्या बात कर दी। जब छोटा होता है तो उसके एक्शंस और इसके रिएक्शंस बच्चे के ये कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो अपनी खुद की पसंद, अपनी खुद की नापसंद डेवलप करता है, अपनी आदतें डेवलप बनना शुरू हो जाती हैं उसकी। किसी आप
बहुत सारे आपने शायद आपने खुद ने अपने माँ बाप और पेरेंट्स से जाकर भी डिस्कस कीजिएगा, पूछिएगा कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से, कि आप कोई ऐसी खाने की पीने की आदत जो आपको कहा जाता हो कि बचपन में तो तुम ये खा लेते थी या खा लेते थे, अब तो बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाते हो या नहीं खाते हो, तो इसका मतलब ये था कि बचपन में जो आपने खाया वो आपके माँ बाप के कहने पर खाया, उस वक्त आपकी अपनी सोच नहीं थी। जैसे ही आपको अपनी आपको एहसास होना शुरू हो गया अपनी खुद की पसंद और नापसंद का, अपनी आदत का, तो आपने उस चीज़ को छोड़ दिया खाना। ये आपकी पहचान है, ये आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। यानी आपके माँ बाप ने आपको इतना भरोसा दिया, आपको इतना स्ट्रांग ज़रूर बनाया कि आपने अपनी आदतें खुद बनाई, खुद मेंटेन की। तीसरा है, चौथा है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, कैसा है कि इसके बगैर जो है वो आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जबान के बगैर इंटरेक्ट नहीं कर सकते। दो तरह की जबान हमने डिस्कस की थी, नॉर्मेटिव कंपोनेंट में हमने किया था, सिम्बॉलिक कंपोनेंट याद होगा आपको, हमने कल्चर के सिम्बॉलिक कंपोनेंट में किया था। जबान में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल हम नॉर्मल लोग हम कहते हैं कि जो आम ज़्यादातर हम लोग जो हैं वो वर्बल इस्तेमाल करते हैं और नॉन वर्बल में एक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन जो डेफ एंड डम वो हैं बच्चे हैं, उनके लिए फिर माँ बाप जो हैं वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। साइन लैंग्वेज भी इंटरेक्शन का तरीका है। तो हम लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कह रहे कि सिर्फ बोलने वाली स्पोकन लैंग्वेज, बल्कि साइन लैंग्वेज भी इसमें आती है, सिम्बल्स भी आते हैं इसमें। हमें जो ट्रांसफ़र किया जाता है कल्चर, हमें बताया जाता है कि हमें किस तरह रहना है, ज़िंदा रहना है, किस तरह उठना है। पहले आपको जैसे आप छोटे थे, आपको जो जूते की मुझे नहीं पता, आपको स्टिक ऑन वाले जूते पढ़े, हमारे ज़माने में स्टिक ऑन वाले जूते नहीं होते थे स्कूल में, हमारे ज़माने में वो क्या होता था, कौन से होते हैं उसके अंदर वो डोरी होती है जिसके अंदर, वो वाली शूज़ पहने जाते थे, पीटी शूज़ होते थे वाइट कलर के, तो उसको डोरी डालने का अंदाज़ और उसको फूल और फ्लावर, उसका नॉट बनाने का जो अंदाज़ था ना, जो गार्ड बांधने का नॉट बनाते थे उसका अंदाज़ हमने कितने अरसे तक सीखा है, और बार बार नॉट्स खुल जाते थे। तो ये जो सिखाते थे, कैसे सिखाते थे, माँ बाप सिखाते थे कि अब इस तरह डालो, अब इस तरह करो, तो ये शो करते थे या लैंग्वेज से सिखाते थे। तो हमें अब ये चम्मच हाथ में रखो, अब इस तरह पकड़ो, अब इस तरह मुँह में डालो, तो ये लैंग्वेज जो है इस अमल को बहुत आसान बना देती है, कि ये अमल जो है वो आसान हो जाता है। टीचर को भी इसलिए आसान हो जाता है, टीचर बोलते हैं ठीक है अब मैं जो बोलूँ मेरे पीछे पीछे बोलो, मैं जो लिखूँ वो पीछे पीछे लिखो, इस तरह बोलो, ये बे अलिफ बा बाबा बोलो, तो ये टीचर्स और या दिस इज़ द कैट इस तरह लोग लिखो या बोलो। तो ये लैंग्वेज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है सोशलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सोशलाइजेशन करने के लिए किसी भी इंसान के। अब हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, प्योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। वैसे तो हमने बता दिया अब तक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन इसको हम फर्दर थोड़ा सा थोड़ी सी एनिमेटेड मैंने इसमें ना ली है, ताकि आप इसको देख सकें पिक्चर के हवाले से भी, कि एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो एक कॉम्प्लेक्स होल है, मजमुआ है, और किस चीज़ का मजमुआ है, इसमें लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, हैबिट्स हैं, ट्रेड्स हैं आपकी, और इन सब की ये मेंटल कैरेक्टरिस्टिक को मिलाकर पूरी आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है। पर्सनैलिटी फिर आपकी जो डेवलप होती है वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस से होती है। तो पर्सनैलिटी जो है वो हमें बताती है कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी बिलीव्स और जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। जैसे मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो जिंदा रहने की या ज़िंदगी गुजारने की अलग होंगी, आपकी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स आपके अलग हो सकते हैं। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं पर्सनैलिटी को, हमारी पर्सनैलिटी को मुतासर कर सकते हैं, तो क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ऑर्गेनाइज पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स का। बिहेवियर और एटीट्यूड जो हमारे पेश करते हैं उसका ऑर्गेनाइज पैटर्न है। ऑर्गेनाइज पैटर्न का मतलब है हमें पता है कि किस वक्त कैसे सोचना है, कैसे बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स जो है वो एक हम शादी में जा रहे हैं तो हमें वहाँ बैठ के रोना नहीं है, हमें पता है हम अगर हंस भी नहीं सकते तो हम रोते भी नहीं हैं।
हमें बिहेव पता है कि सामने अगर ब्राइड और ग्रूम आपके सामने आ जाए तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, आपको मुबारकबाद देनी है, चाहे आपका दिल करता हो कि ना करता हो, चाहे आप उसको पसंद करते हो कि ना पसंद, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको पता है कि उस सिचुएशन में किस तरह बिहेव करना है। अगर कोई शख्स आपके सामने हाथ आगे बढ़ाता है तो आप उसका फौरन हाथ जो है उससे शेक हैंड करते हैं। ये ऑर्गेनाइज पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर और एटीट्यूड्स आपको नजर आते हैं, ये इंसान को बनाते हैं, ये इंसान की पर्सनैलिटी को ग्रो करते हैं। इसके अंदर फिर माशरे के साथ, इन्वायरमेंट के साथ हमारा मुसलसल जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन हमारी पर्सनैलिटी को उभारता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गए, लेट सपोज गए हो ना गए हो, लेकिन आप एक दफ़ा बस में चढ़े, नहीं चढ़ पाए, आपकी एक बस निकल गई, दूसरी बस निकल गई, नेक्स्ट टाइम आए आपने देख लिया कि बस में चढ़ने का अंदाज क्या है, आपने जो है दो लोगों के अंदर अपनी जगह बनाई और फास्ट फास्ट जाकर आपने अंदर जाकर अपनी जगह बना ली। तो ये डेवलपमेंट आप अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से दूसरों को देखकर, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करके अपनी डेवलप करते हैं पर्सनैलिटी। जो रिसर्च, बहुत साइकोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च की है इंसान की पर्सनैलिटी पर, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पर, और उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारी ऐसी भी है जो माँ बाप से विरसे में मिली होती हैं, आदतें मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पूरी पर्सनैलिटी जो है वो आदतों का मजमूआ है। आपका इन्वायरमेंट का इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। एक माँ बाप जो चोर है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर उसका अडॉप्ट कर लिया गया हो तो वो चोर बन जाए। अगर एक माँ बाप चोर हैं लेकिन उन्होंने बच्चे को बचपन में ही दे दिया, एडी सेंटर छोड़ा है और उसको किसी नॉर्मल माँ बाप ने पाला, तो बच्चा चोर नहीं बन देगा, वो उसके इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है। तो हेरिडिटी कुछ पोर्शन होती है कि दिमागी अगर बीमारी है कोई तो हो सकता है कि हम उसको कह सकते हैं। जैसे सीरियल किलर्स बहुत जो मिले और जो पकड़े गए, उनका जब दिमागी टेस्ट किया गया तो पता चला कि उनके अंदर एक दिमाग के अंदर खराबी है जो उनके माँ बाप या ये के तरफ से आई है, वो बायोलॉजिकल खराबी है, जेनेटिकली खराबी है, ठीक है, फिजिकली। जैसे हार्ट अटैक होता है किसी को, यंग इंसान को, तो हम कहते हैं भाई फैमिली में रन कर रहा था। किसी को शुगर होता है तो आप कहते हैं फैमिली में है सबको शुगर, अल्सर है फैमिली में, ये तकलीफ है फैमिली में, इसलिए ये हो गया, फैमिली से आई है बीमारी। तो ये दिमागी बीमारी भी फैमिली से आई है, और बीमारी जो है वो उसमें होती है कि इमोशंस नहीं है, एम्पथी नहीं है, एम्पथी का ना होना जो है वो उसको कत्ल करने पर मजबूर कर देता है, और कत्ल करने के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो उसको ना गम होता है ना खुशी होती है, वो बस उसको करना होता है। तो एम्पथी ख़त्म होती है, उसमें एम्पथी नहीं होती, इमोशंस नहीं होते हैं बहुत सारे। कुछ हेरिडिटी फैक्टर्स जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, ये हमने आपको बात कही, लेकिन सोशल एनवायरनमेंट उस पर सिग्निफिकेंट होता है, उस पर असरअंदाज हो जाता है। इसी तरह जो बच्चे ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं, उसमें अगर आप चीज़ों में इनको कंपेयर करें तो बच्चे जो है केयरफ्री होते हैं, ये सिमिलैरिटीज़ हैं। केयरफ्री क्यों होते हैं बच्चे? क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनको उनका नेचुरल रिएक्शन होता है। लेकिन अगर यही बच्चा वो फलस्तीन में पैदा हुआ था और फलस्तीन में उसने जो वायलेंस देखा, तो वहाँ पर वो बच्चा नॉर्मल अंदाज से जो है वो नहीं करेगा, उसका सिमिलैरिटी आपको दूसरे बच्चों से नज़र नहीं आएगी, वो किस तरह रेज हुआ है वो बात होती है। एग्जाम्पल अभी देखें कि बहुत सारे माशरों में लड़के और लड़कियों को देखें सोशलाइज अलग अलग किया जाता है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब हमारा सोशलाइजेशन सबकी अलग अलग होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अब आप लड़कों को आप देखें, लड़कों को इस तरह के मैसेजेस, किस तरह के मैसेजेस दिए जाते हैं लड़कों को। बॉयज़ को ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना दिया जाता है। चले फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल लूँ, जब मेरे ब्रदर ने मेरी मदर को कहा कि मैं जा रहा हूँ कराटे, उसमें ट्राइकमांडो सीखता हूँ, वो दो बेल्ट हासिल कर चुका था, उसने कहा वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियाँ और बच्चे आते हैं, तो मैं अपनी छोटी बहन को लेकर जाऊँगा, यानी मुझे लेकर जाऊँगा। तो मेरी अम्मी ने सख्ती से मना कर दिया, कि कोई ज़रूरत नहीं है लेके जाने की, बच्ची ज़्यादा है, लड़की ज़्यादा है, कुछ इधर उधर हो गया तो क्या होगा, तो माशरा क्या कहेगा, हमको हम जीते जी हो जाएंगे, फला जाएंगे, माजूरी आ जाएगी, डर फियर। तो और लड़कियों को जो संभाल संभाल के रखना, उनको जो है स्पॉइल करना, और लड़कों को जो है फ्रीडम ज़्यादा देना, गिरते हैं तो उठ जाओ लड़के हो, तुम तो लड़के हो, क्यों लड़के लड़कियों की तरह रो रहे हो, ये बात आपको सुनने में मिलती है। कभी भी लड़के को ये नहीं कहा गया कि तुम रोते रहो, कोई मसला नहीं है, सभी रोते हैं, नहीं तुम लड़की हो क्या, लड़के लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते।
तो दैट इज जो है इट्स नॉट अ राइट थिंग, इट्स अ रॉन्ग थिंग टू से. दूसरी जो है लड़कियां अक्सर जो है आप देखें कि माँ जो है अगर घरेलू काम करती है तो बच्ची को सबसे ज़्यादा अपने साथ इंगेज करने में कुकिंग में इंगेज कर लिया, सफाई में इंगेज कर लिया, इस तरह के लोग डोमेस्टिक वर्क में टास्क में ज़्यादा इंगेज कर लेती हैं अपने बेटों के मुकाबले में. ये स्टीरियोटाइप्स हैं, ये स्टीरियोटाइप्स इसको कहते हैं कि हमने लड़कियों को जो है किचन की तरफ लगा दिया पहले से और लड़कों को फिजिकल एक्टिविटीज़ जो करना चाहे करो, तुम आज़ाद हो, कोई नहीं करो. लेकिन मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा है जहाँ लड़कियाँ नहीं हैं तो वहाँ लड़के ही लड़कियों वाले काम करते हैं, और जहाँ लड़के नहीं हैं तो लड़कियाँ ही लड़कों वाले भी साथ में काम करती हैं. लेकिन जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों नज़र आते हैं वहाँ पर ये स्टेरियोटाइपिंग नज़र आती है कि लड़कों को अलग तरबियत दी जा रही होती है, लड़कियों को अलग. इसीलिए लड़कियों की डेवलपमेंट अलग होती है. अक्सर लड़कियाँ आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर रो पड़ती हैं, भाई पेपर अच्छा नहीं हुआ, रोई जा रही है, भाई क्या हो गया मैडम पेपर अच्छा नहीं हुआ, 10 मिनट और दे दे हमें पेपर कंप्लीट करने के लिए, रोए जा रही, धारम चीखम धारम करके रो रही हैं, तेज तेज आवाज़ में रो रही हैं. बिल्कुल नॉर्मल एटीट्यूड नहीं होता, लेकिन उनकी तरबियत ऐसी हुई होती है कि वो छोटी छोटी बातें उनको बहुत बुरी लगना शुरू हो जाती हैं. इसी तरह अगर लड़के बैलरीनास बनेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है, और लड़कियाँ अगर जो है फुटबॉल खेलेंगी तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था. लेकिन आज जो है 21st सेंचुरी में आकर आपको पाकिस्तान में भी टीम्स मिलती हैं, गर्ल्स टीम्स मिलती है क्रिकेट की, हॉकी की, और लड़कियां में से पाकिस्तान की बच्ची ने माउंट एवरेस्ट जो है पर पार सर किया और वो चोटी पर टॉप पे गई है, तो वो वन ऑफ द पहली लड़की है, इतनी यंग पहली लड़की है जिसने माउंट एवरेस्ट को जो है कॉन्कर किया. तो अब लड़कियां जो है वो आ रही हैं मुख्तलिफ उसमें कल्चर के अंदर रहते हुए भी लोग जो हैं वो अपनी बच्चियों को इंगेज कर रहे हैं दोनों. तो टॉम बॉय अभी भी आप देखें कि अगर लड़की कोई भागम भागम वाला काम करेगी तो उसको कहेंगे ये तो टॉम बॉय है, जैसे मुझे कहा जाता था मैं टॉम बॉय हूँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा करती. तो ये बॉय करना क्यों ज़रूरी है, बॉय कहना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि बॉयज ज़्यादातर इस तरह की हरकतें करते हैं और गर्ल्स ऐसी हरकतें नहीं करती, इसलिए टॉम बॉय वर्ड यूज किया जाता था. तो डिफरेंट सोसाइटीज़ जो हैं वो पर्सनैलिटीज़ को डिफरेंट अंदाज में, जैसे आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, खैर मीडिया ने इसको चेंज किया थोड़ा सा कि अगर आपका बच्चा और बेटा जो है शेफ़ बनना चाहता है तो वो शेफ़ बनने के लिए उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और उसको इतनी आसानी से शेफ़ बनने के लिए नहीं इजाज़त दे दी जाती. इसी तरह म्यूजिशियन बनना हमारे लिए हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है. तो कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो हमारे यहाँ लड़के या लड़कियों के लिए मखसूस कर दिए गए हैं कि इसमें आप नहीं जा सकते, क्योंकि माशरा क्या कहेगा, माशरा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आप क्योंकि माशरे के अंदर रहते हैं आपके माँ बाप और वो माशरे और इन्वायरमेंट को देख कर ही आपकी तरबियत करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं, तो आपको नहीं चाहते कि वो उसके अंदर आए, आप वो आपको खुश देखना चाहते हैं, उनके हिसाब से आपको खुश देखना चाहते हैं. लेकिन जैसे कल तक जो है PTV सिर्फ अकेला चैनल था और एक्टर से कोई शादी नहीं करता था क्योंकि कमाई नहीं थी, और आज जो है देखें इतना पैसा है शो बिजनेस में, ड्रामों में इतना पैसा है कि अब जो है वो रिश्ते एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं. लेकिन अभी भी मैंने एक और रिश्ता था अभी हाल में आया था, किसी एक्टर का रिश्ता आया था, तो बाप ने पूछा अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा क्या करता है तो ये वाली बात थी कि इसके अलावा क्या करता है, एक्टिंग के अलावा क्या करता है. कह रहे भाई एक्टिंग ही इसकी कमाई है. कह रहे नहीं, एक्टिंग आ जाए कल नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, कितना पढ़ा लिखा है, क्या हैसियत है. तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी नज़र आती हैं आपको हमारे माशरे में चीज़ों की. हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का नेचर वर्सेस नर्चर को हमने बताया था, इसमें इसकी एग्जांपल हमने नहीं बताई है आपको कि हम जो हमारे जो ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स का मतलब है हमारी जो आदतें हैं जो हैं वो उसके बहुत सारे लोगों ने स्टडीज़ की. एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस की स्टडी की गई थी. आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब है, आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब है कि वो बच्चे जो एक जैसी शक्लों के साथ पैदा हुए उसको आइडेंटिकल कहते हैं. ट्विंस कहते हैं एक साथ बच्चे पैदा होना, लेकिन आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे. जैसे अभी आपकी मशहूर जो भी शादी हुई थी जिसमें 10-12 वो इवेंट्स हुए थे और दो जुड़वा बहनें हैं, मुझे नाम याद नहीं आता, दोनों एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं,
और दोनों ड्रामों में आती हैं। आप अभी नाम ले रहे होंगे, गारंटी से नाम आपको याद आ गया होगा। वही वही उन्हीं उसी की बात कर रही हूँ मैं, उन दोनों बहनों की बात कर रही हूँ। एक बहन की शादी हो गई और एक बहन की शादी नहीं हुई है। तो ये दोनों बहनें, एग्जाम्पल नहीं दे रही मैं, सिंपल बता रही, ये आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, एक जैसी शक्लें हैं, ठीक है। लेकिन इनकी स्टडी नहीं पता, लेकिन मेरी क्लास में बच्चियाँ थी दो, दोनों सेम शक्ल, दोनों की सेम शक्लें थी और आइडेंटिकल ट्विन्स थे वो दोनों, और कपड़े भी एक जैसे पहनती थी। यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, कपड़े भी एक जैसे पहनती थी। और मैंने इनको जब पढ़ाया तो इन्होंने मुझे मैंने पूछा भी इनसे, तो उन्होंने बताया कि हमारे टीचर्स भी सेम थे, हमारी क्लासेस भी सेम थी, स्कूल में कॉलेज में भी हम साथ थे, एक ही क्लास में एक ही टीचर के साथ होते थे, हम स्टडी भी साथ करते हैं। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में मैंने इन दोनों को डिफरेंट पाया, हालांकि दोनों में से एक को अच्छे मार्क्स मिलते हैं और एक को एवरेज मार्क्स मिलते थे, सोचने का पर्सपेक्टिव दोनों का चेंज है, जबकि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। आपको हैरत हो रही होगी कि आइडेंटिकल ट्विन्स, एक ही तरह के दोस्त, एक ही तरह के एनवायरनमेंट, एक ही तरह के माँ बाप, वही सब टीचर्स, हर फैसिलिटी जो एक बेटी को मिली दूसरी बेटी को मिली, इसके बावजूद दोनों बहनें जो हैं वो एजुकेशनल अचीवमेंट में डिफरेंट थी। और मैंने सबसे पूछा कि आपकी लाइक से डिसलाइक, कहते सेम है, हम लोग की पर्सनैलिटी में हमारी दोस्ती बहुत है, हम लोग की बहुत हर चीज़ सेम है, लेकिन इसके बावजूद उनके जो मेंटल लेवल था दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऐसे आपको ट्विन्स में जो है वो बहुत बच्चे मिलेंगे जो उसकी स्टडीज़ जो हैं वो आपको अवेलेबल मिलेंगी, गूगल स्कॉलर पर आप चले जाएँ तो अवेलेबल मिलेंगी, और ये बताते हैं कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो दो बहनों के, दो भाइयों के या जुड़वाओं के एक जैसे जो हैं वो हो सकते हैं, और एक जैसे होते हुए भी डिफरेंट हो सकते हैं। डिबेट वही मैंने आपको बताया था, नेचर वर्सेस नेचर की, नर्चर की झगड़ा है, एक कहता है नेचर, दूसरा कहता है नर्चर। तो कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं आपके जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, तेज आवाज़ के साथ फास्ट बोलना, ये आपके माँ बाप से हो सकता आपको आई हो, आपका गला बहुत तेज़ है, आपका लाउड स्पीकर फिट है, जैसे मेरा फिट है गले में मेरे फादर की तरह, तो वो आपको मिला हो, आपके हेरिडिटी में मिला हो। आपको बीमारियां मिल सकती हैं हेरिडिटी में, आपको इंटेलिजेंस मिल सकती है हेरिडिटी में, आपका आईक्यू लेवल मिल सकता है आपको हेरिडिटी में, आपको हेरिडिटी में आपके माँ बाप का पास अगर पैसा है तो हेरिडिटी में आपको पैसा भी मिल गया, आपके माँ बाप ने जिस जगह पर घर लिया है तो हेरिडिटी में आपको वो मिल गया, इत्तेफाक की बात है मिल गया। तो आपकी अपब्रिंगिंग में, आप जिस माहौल में पैदा हुए हैं या जिस जगह पर आप पैदा हुए हैं, तो वहाँ पर जो है वो आपके माँ बाप का उसमें उन्होंने जो कमाया, उन्होंने जो लेकर आया उसका रोल है, साथ में उनके साथ जो हुआ, उनको अपनी बीमारियाँ जो मिली, वो हो सकता है कि वो ट्रांसफ़र आप में हो। जैसे अस्थमा और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियाँ, लंग्स की बीमारियाँ जो हम कहते हैं, हार्ट की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर की बीमारी, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये वाली बात, शुगर, डायबिटीज़ और अल्सर्स की बीमारियाँ, ये हेरिडिटी हो सकती है। तो हेरिडिटी अफेक्ट करती है इन्वायरमेंट पर, लेकिन ये जो है चार्ट है इसको आप पिक्चर खींच लें इसकी, ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं पर्सनैलिटी के, ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, फैमिली और सोशल फैक्टर्स सबसे ज़्यादा हैं, कल्चर के फैक्टर्स ज़्यादा हैं और सिचुएशनल फैक्टर्स ज़्यादा है। आप देख लें बायोलॉजी में आईक्यू लेवल मैंने बताया था, फिजिकल फीचर्स सॉरी भूल गई, हमारी शक्लें, हमारा जिस्म, हमारी आँखें किस से मिलती है, माँ से मिलती है, बाप से मिलती है, दादा से मिलती है, दादी से मिलती है, नाना से मिलती है, नानी से मिलती है, हेरिडिटी में आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है, फैमिली और सोशल फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, कल्चर फैक्टर्स में ये होता है कि बास कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्थ कोरिया वाले बहुत एग्रेसिव है, हमारे यहाँ पठान बड़े एग्रेसिव नज़र आते हैं आपको, हम कहते हैं ना खड़ दिमाग है तो नज़र आते हैं एग्रेसिव, हम कहते हैं मासूम सबसे जो वो लोग होते हैं जो शरीफ हैं, ये वाली मेमन कम्युनिटी हम कहते हैं बहुत शरीफ है, ऑस्ट्रेलियन के बारे में बताया गया है बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, जापानीज बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, चाइनीज बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ कल्चर के फैक्टर्स हैं जो हमें विरसे में मिलते हैं। हमारे यहाँ भी गर्मी बहुत है, रमज़ान में पता चल जाता है ना कितनी गर्मी है हमें, हर इस रमज़ान में तो नहीं पता चला, बहुत झगड़े कम हुए क्योंकि बाहर नहीं निकल सके थे, लेकिन पिछले रमज़ान तक तो बड़े झगड़े किए। सिचुएशनल फैक्टर्स में
अगर आपके आसपास लोगों का पॉजिटिव बिहेवियर है तो उसका इम्पैक्ट आप पर पॉजिटिव पड़ेगा, और अगर आसपास लोगों का आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर है तो उसका इम्पैक्ट आपके पास ऊपर जो है वो नेगेटिव पड़ेगा। तो सिचुएशनल फैक्टर्स भी जो है इम्पॉर्टेंट रखते हैं। तो अगर आप जो है ये चार्ट को याद रख लें, ठीक है, तो उसके फैक्टर्स याद कर लें, तो ये एक हेडिंग बन गई, हेडिंग वन बन गई बायोलॉजिकल फैक्टर, उसकी फर्दर तीन, फिर फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स टू बन जाएगी हेडिंग, इसकी फर्दर चार, फिर थ्री बन जाएगी कल्चर फैक्टर्स, उसकी भी चार, और फोर बन जाएगी सिचुएशनल फैक्टर्स और उसकी दो। तो इस तरह आपकी जो है आप इसको ए बी सी डी कर लें, और ए के तीन, बी के चार, सी के चार और डी के दो आप इसमें पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट्स डाल सकते हैं, और इसी से आपकी डेवलप होती है पर्सनैलिटी, आपकी आगे जाती है या पीछे जाती है। ये तीन फैक्टर्स और हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए कर रहे थे ना हम प्रोसेसेस में। तो प्रोसेसेस में ये देखिए, फिजिकल एनवायरनमेंट, ग्रुप एक्सपीरियंसेस, यूनिक एक्सपीरियंसेस। फिजिकल एनवायरनमेंट को तो हमने डिस्कस किया कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास का हम किस इलाके में रहते हैं। हम बहुत पीसफुल इलाके में रहते हैं तो हम बहुत पीस लविंग होंगे, लेकिन हम फलस्तीन, इराक, जब वॉर हुई थी अफगानिस्तान, ऐसे इलाकों के पैदावार या वहाँ होंगे तो फिर हमें उसका एनवायरनमेंट का हम पर इम्पेक्ट पड़ेगा और हम उसकी तरफ जो हमें उस पर असरअंदाज हमारी लाइफ पर होगा। ये पहाड़ी ज़िंदगी अलग होती है, सर्दी के इलाके अलग हैं, गर्मी के इलाके अलग इम्पैक्ट डालते हैं हमें। फिर आ जाता है ग्रुप एक्सपीरियंसेस। ग्रुप एक्सपीरियंस का मतलब है जब हमें फैमिली में जब होते हैं, एक फैमिली के अंदर रहते हैं, तो उस फैमिली में रहते हुए जो है हम सबके एक्सपीरियंसेस एक होते हैं। हम एक ही तरह का के फंक्शंस में जाते हैं, एक ही तरह के इवेंट्स में जाते हैं, हर एक एक साथ साथ सब काम करते हैं, तो वो ग्रुप एक्सपीरियंस कहलाते हैं, फैमिली के एक्सपीरियंस कहलाते हैं। लेकिन एक होता है यूनिक एक्सपीरियंस जो सिर्फ आपका है, आपका अपना पर्सपेक्टिव, आपकी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स, आपकी सोचें हैं अपनी। तो अगर आप एक क्लास में बैठे हैं लेट्स सपोज, और आपके पीयर ग्रुप के साथ बैठे हैं, और एक टीचर जो है पढ़ाई कर पढ़ा रहा है, और आप सब लोग जो हैं वो हाँ हाँ कहे जा रहे हैं, क्लास ओवर हो गई, क्लास ओवर होने के बाद आपके दोस्त ने आपसे कहा मुझे तो कुछ नहीं समझ आया, ठीक है, ग्रुप एक्सपीरियंस, और मेजॉरिटी कह रही है हमें सबको समझ आ गया, ठीक है। तो ग्रुप एक्सपीरियंस क्या था कि सबको समझ आ जाना चाहिए था, तो सबको समझ आ गया, लेकिन एक को या दो को समझ नहीं आया, उनका यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो जब वो लेक्चर सुन रहे थे या वो जो क्लास ले रहे थे तो उसके अंदर कुछ और फैक्टर्स थे जो वो उसी जुमले को अलग अंदाज से देख रहे थे। जो एक टीचर बोल रहा था कि पॉजिटिव वे में बोल रहा है, हो सकता है वो यूनिक एक्सपीरियंस उसका जो है वो नेगेटिव हो के उसने तो ये गलत बात की, ये तो तंज कर रहा था टीचर, ये तो जो है हमें डांट रहा था टीचर, ये तो हमें सुना रहा था टीचर बातों बातों में। तो कह रहे नहीं नहीं बातों में कोई नहीं सुना रहा था, वो ऐसे ही बोलता है, इसकी आदत ही इस किस्म की है, वो इस तरह की बातें करता रहता है टीचर हमारा। तो वो ग्रुप एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, यूनिक एक्सपीरियंस आपका जो है वो अलग हो सकता है। तो दिमाग में ये याद रखिएगा कि फिजिकल एनवायरनमेंट, ग्रुप एक्सपीरियंस और यूनिक एक्सपीरियंस जो है, इवन के ये इसी वजह से आइडेंटिकल ट्विंस भी जो है वो डिफरेंट होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस को भी जो है आपको नजर आता है कि वो अलग अलग तरीके के होते हैं। इसी तरह आप हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो आपका जो है फिजिकल अपीयरेंस हेरिडिटी है, इंटेलिजेंस आपकी हेरिडिटी है। फिजिकल ट्रेड्स में बाज़ औक़ात जो है वो आपको एथलेटिक एबिलिटी बाप से मिलती है, अगर बाप जो है बड़ा एथलेटिक था, जैसे वो उसमें लकी सर्कस में आप देख लें कि माँ बाप जो है जो ट्रम्पलीन पर और जो है ऊपर से जंप लगाते हैं और बहुत सारे जिमनास्ट दिखाते हैं, वो उनके बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं बहुत जल्दी उम्र से, और बहुत छोटी उम्र से सीखना शुरू कर देते हैं, वो एथलेटिक एबिलिटी आ जाती है उसमें। बाज़ों का टैलेंट भी आता है, कोई खास टैलेंट, सिंगिंग का टैलेंट, बाप भी सिंगर माँ भी सिंगर, बाप भी एक्टर माँ भी एक्टर, बच्चे भी एक्टर। तो बच्चे जो है उस बच्चों से वो कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड आती हैं, हम उसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड जो कहते हैं। और ज़्यादातर हमारा जो इम्पैक्ट है वो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट आपके पास आता है, स्कूल का, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का, किस तरह इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाए। इसके सामने देखें कि किस तरह इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाए, इंटेलिजेंस तो दे दी लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इस्तेमाल कर सकें। मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो बंदा था वो जब दुनिया में उसको लोगों ने उसको डिस्कवर किया, वो उस वक्त एक छोटे से इलाके में लकड़ियाँ काट रहा था, लकड़ियाँ काटता था
और मशीन एक गाड़ी चलाकर वो लकड़ियाँ लेके जाता था। जब इसका आईक्यू टेस्ट हुआ था, अब ये नहीं मुझे याद पूरा स्टोरी याद नहीं है कि आईक्यू टेस्ट क्यों हुआ था इसका, लेकिन ये याद है कि वहाँ पर जो है मुख्तलिफ लोगों से जो है टेस्ट करवाया जा रहा था कि देखने के लिए कि वहाँ पर किस किसके पास कितना टैलेंट है ताकि उनको दूसरी जॉब्स दी जा सके, कंपनी की तरफ से था। तो उसने पूरा फुल स्कोर किया, उन्होंने कहा लगता है ये गलती हो गई है। जब ये स्कोर ऊपर गया तो उन्होंने डांट खाई कि भाई ये तो आपने गलत इसकी रिपोर्ट दी है, इतना इंटेलिजेंट कोई नहीं हो सकता, तुम लोगों ने किसी ने जो है गलत डेटा किया है। तो उन्होंने कहा जाहिर बात है फाइट किया होगा, दोबारा उसका टेस्ट लिया गया मुश्किल वाला, तो वो उसने उसमें भी स्कोर हाई किया। और फिर जब पता चला कि ये तो गांव में रहने वाला बंदा है और हर हफ्ते नई जॉब करता है, इसको तो जॉब में भी मज़ा नहीं आता, तो इसके पता चला 250 आईक्यू लेवल या 60 आईक्यू लेवल, दुनिया का हाईएस्ट आईक्यू लेवल उसका था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका रिकॉर्ड रहा है। लेकिन उस बंदे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इंटेलिजेंस तो अल्लाह की तरफ से मिल गई, लेकिन वो स्कूल नहीं जा सका था, इसलिए आज उसे वो क्या काम करता था, कभी गाड़ी चलाता था, कभी लकड़ियाँ काटता था, और ऐसे ही छोटे छोटे कभी किसी के घर को ठीक करके आता था, कंस्ट्रक्शन में काम करता था, यानी तो ये काम किसने किए। तो इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है, हेरिडिटी ज़रूरी कि हेरिडिटी आपको मिल गई, इंटेलिजेंट मिल गई विरसे में, तो आपको जो है किताब खोलना ही नहीं है और आपको सब कुछ याद हो जाएगा, आपको जो है MBBS डॉक्टर बन जाएंगे आप अगर आपका IQ लेवल हाई है। ऐसा नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, किताबें खोलनी पड़ेंगी, कुछ भी कर लें, ये आस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पर यही वाली बात है कि आपका खुद का इंटरेस्ट है, IQ लेवल तो बहुत है लेकिन मुझे पढ़ना ही नहीं है, जब आपको पढ़ने नहीं इंटरेस्ट ही नहीं है आपका, तो आपका IQ लेवल जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा होने का, आपका टैलेंट जो है वो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि आप कहेंगे मैंने नहीं करनी एक्टिंग वैक्टिंग, आपके माँ बाप एक्टर्स हैं, आपको कहा एक्टिंग, मैंने नहीं करनी एक्टिंग, इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपकी वो नेचुरल एबिलिटी जो अल्लाह की तरफ से मिली है, गॉड गिफ्ट आपको इंटेलिजेंस मिली है, या फिजिकल अपीयरेंस आपको मिली है जो यूटिलाइज हो सकती है एथलेटिक हवाले से, वो आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये कुछ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को हमने कंपेयर किया। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का कितना इम्पैक्ट है, सोशलाइजेशन का कितना इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर सोशलाइजेशन आ जाएगा, उसका कितना इम्पैक्ट है, और सोशलाइजेशन में फैमिली, स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मास मीडिया, रिलीजन और उसका पीयर ग्रुप, उसका कितना इन्फ्लुएंस आपका आता है। तो यहाँ हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह जो है हम अपने 14 सेशन जो है उसके साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। अब यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।